लिबा आ रहा वो भी एक लुकुंडी चोनू क्यों चीनता है चमकी चिची क्यों चीनता है तू गंदू ऐसे मुंह पे लग जाएगी ये थोड़ा क्लास पहना है ऐसे मुंह में चोट लग जाएगी चोनू नो चोनू नो नो चोनू नो लाओ इसमें डालो गिराना मत बेड पे चीटी आ जाएगी बस 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 पहले इतना पिला दूँ फिर देखते हैं चोनू वैसे पीता है शरबत पीता है ग्लूकोन डी पीता है मेरा चोनू वो तो आप करेंगे लेकिन संडे को आप जब जाएंगे तो पापा लेके जाएंगे आप अभी दुआएं करते रहो कि पापा ले जाएं अभी मैं पापा से नीचे जाके पूछने वाली पापा नीचे बैठे शॉप पे अच्छा पापा से पूछने वाली हूँ पापा आप संजय को ले जाओगे तो नहीं चलना मन कर रहा है पापा हैं इनके फसी 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 हैं फसी आप भी जाएंगे हैं आप भी जाएंगे हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड कैसे हैं आप लोग सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और ये उठता ही रहता है तो अभी हो रहे हैं रात के भैया कितने बज रहे होंगे भैया आए हुए हैं भैया शादी करके लेकर आए हैं 10:30 बजे रात के 10:30 बजे हम लोग इतने खुश क्यों हैं तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहली बात तो आप पहचानी हमारी शादिका को शादिका को पहचानते हैं शादिका हाय गाइस करो शादी को कुछ नहीं कर रहा और चोनू कितना एक्साइटेड है भाई कहाँ रह गए अनु के जी हाँ जी मेरे सरप्राइज है आंखें बंद करो अच्छा ठीक है मैं आंखें बंद ये कौन सा सरप्राइज आ रहा है भाई कौन सा सरप्राइज आ रहा है अनु आजी ने सरप्राइज देने की ठान रखी है आना चाहिए आइए 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 अन्नु बाजी आइए चोना की रहती है मुझसे पहले चोना की रहती है मुझे सरप्राइज दिखाओ बहन वो है वो अपनी बहन का हाथ पकड़े ला रही है आइए 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 अरे भाई आशा दिल खुश कर दिया वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आज आज हम पे इतनी रहमत कैसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम माजे सारे रोजे रखे हैं सारी नमाजें तरावियां सही है मैं आज यही कह रही थी मैंने कहा अन्नू माजे ने सबको खूब चूना लगा रखा है बैठो भाई बैठो सब देख रही है सब कौन हाँ बहुत बढ़िया कैसे हाँ नहीं तो ये सरप्राइज वैसे भी खराब होता क्योंकि बाहर से तो ताला ही लगा हुआ था ना तब भी इन्हें में से किसी को बुलाना होता सही है ये अनु अपनी लगी है अपनी चीजों को सजाने के लिए म्यूजिक बंद करना पड़ेगा म्यूजिक किसने चलाया हुआ इधर देखिए कि दो सहेलियां पक्की वाली वो उसका मुंह अपनी तरफ कर रही है वो कर ही नहीं रही है और है भी तो दोनों बिल्कुल एक साइज की अनु इनकी खुशी देखने लायक है तुम इन्हें देखो अच्छा क्या हो रहा है अनु के जी सजा रही है हैं नहीं डर रही हंस रही है वो तो देख रही है काम का बदनाम कर रहे ये कैसा खेल हो रहा है ये कैसा खेल हो रहा है ये कौन सी होली है अरे कौन सी पिकारी की होली अच्छा 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 क्या कह रही है चलो क्या हो गया
अच्छे नहीं लग रहे दाढ़ी में? अच्छा, बड़ी मुश्किल से उठे। मैंने खुद कह रही, मैंने कहा अन्नू ज्यादा रोजे नहीं रख लिया माजी ने, हमें तो पता था रख नहीं रहे, तो मैंने कहा ज्यादा नहीं रख लिया। हाँ माजी सही कह रही, तो माजी ये क्यों लोगों को क्यों धोखा दे रखा आपने, पहले ये बताया क्यों धोखा दे रखा लोगों को इतनी लंबी दाढ़ी रख के? अच्छा लग रहा है ना? अरे आप एक्साइटेड है सबके आने से, खुश है? उनका तो अलग ही कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। चोनू पहचाना कि नहीं पहचाना? अभी तक कैसे चल रहा है? ये तो एक नींद सो भी गई थी। अच्छा, हाँ एक नींद सो गई थी, फिर हम खाना खा रहे थे, फिर उठ पड़ी। नाश्ता सब कहेंगे अनु बजी से काम करा देंगे आप। आप फोटो में लगाती हूँ। अच्छा जी, जो सूट लेके आए ना वो मैं आंटी को दे रही हूँ। अच्छा हाँ हाँ, ये तो पापा कह रहे कह रहे कैसे ना नहीं पापा, मुझे लेने हैं इसको, काट दो। हाँ काट दो, खाने में आ कितना सब ले आया है, क्या हो गया इनको भाई को? मैं तो कह रही हूँ गुड्डू जी ने तो मना कर दिया था, सब बंद है। साफ मना कर दिया चलो ने, वो सही कहते भाई, क्यों हम नाम परेशान हो रहे, नाम कर रहे साफ कहना सुखी रहना। उस दिन जब हम तुम्हारे यहाँ आए भी नहीं, नहीं उनका अलग ही जिंदगी, अलग ही लॉजिक है। शुद्ध आदमी है वो, शुद्ध आदमी, शुद्ध आदमी, उनकी अलग ही जिंदगी है, अलग ही लॉजिक। पर आप बड़ी स्मार्ट लग रही हैं। मैंने कहा ईद गई है तैयार हो जाओ, वैसे भी होट पड़ते अनु पता है क्या, मैंने अभी तक जितनी भी लिक्विड लिपस्टिक लगाई है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी लगा ली है, तो लेकिन सबसे बेस्ट नहीं बाजी, नहीं नहीं बाजी, नहीं नहीं सबसे बेस्ट कौन सी? मिलानी की है, मिलानी। हाँ अभी देखो होट पड़ रहे हैं ना, मौसम ऐसा हो रहा है, और ये वाली लगा लो तो कितने और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। मैं तो पूरी स्किन ड्राई हो रही है, इतनी ड्राई हो रही है, पता नहीं क्या ही हो गया। जिस दिन से दिल्ली से आए हो ना उस दिन से स्किन पूरी ख़राब हो गई। वो तो अभी वो पैक लगाया, फेस पैक लगाया, उससे तो अच्छी हुई थोड़ी। भैया इतना नाश्ता लिया है? हाँ वो तो कह रही हूँ, और उसमें क्या सब खा पी के आया है बस, इसलिए तो मैंने पापा को नहीं बताया, सबने बना कर दिया। देखो तुम उन्हें बोलोगी वो परेशान होंगी, कुछ ना कुछ बना के रखी। मैंने कहा हाँ मैंने भी इसलिए नहीं करा, मैंने कहा जब वहाँ पर आए तो वहाँ खाना पीना खा चुके थे सब कुछ ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा है लोग, तो अच्छी लगती है गोल्डन, चटपटी होती है ना, मुँह जैसे कभी अकलाया अकलाया सा हो तो आप खा लो तो मुँह का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। मेहनाज का मुँह खुला का खुला, मेरे पास दो फोन नहीं, मैंने हर चीज रिएक्शन कैप्चर नोट करूँ, उसका मुँह खुला का खुला कि ओए भाई ये क्या है। मैंने उसे ये बोला, मैंने कहा मैं तुमसे कैन वी टॉक, तो उसने बहुत देर बाद रिप्लाई किया आफ्टर सम टाइम, फिर उसकी कॉल आई, तो मैंने कहा नाउ आई एम बिजी क्योंकि मेरे घर से गेस्ट आए, तो वो सोची 9 बजे आएंगे, फिर 9 बजे आ रही, मैंने कहा हाँ चलिए अच्छा, अब मैं ये कहाँ रखूँ, स्टील की प्लेट ले लो फिर अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगे या नहीं लगे भी है, जो सामान है वो तो लगेगा ही ना, इंसान ने इतना पैसा तो और है, और क्या है, फ्राइड वगैरह भी लाए हैं, वो है जलेबी शायद शायद। आंटी कह रही थी वो घर के लिए लेकर आए थे, तो उनका मम्मी जितनी लेने ले लो, तो फिर आंटी ने मुझे दे दी, तो बिल्कुल को दे देना। कौन लाया था? परवेज भाई। हाँ अरे ये तो बड़ी अच्छी जलेबी, मेले से गए थे ना, मेले में बताया तो सब खप जाएगा, चलो ऐसी कोई वाली बात नहीं। अच्छा, तो फिर इतने बिस्किट मत खोलो, पेस्ट मत करो, बस खाली को मीठा लगा दो, क्योंकि इतने बिस्किट कौन खाएगा, वो खुल के खराब हो जाएंगे सारे। मैं ठीक है जी,
और मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन अनु एक बात सुनने, आप अभी कहीं नहीं जा रही हैं। अरे अरे नहीं, हाँ हम तो रुक जाते, बस हमारा घर अकेला है ना। अरे तो घर कहीं जा पड़ रहा, खाली घर ही लोग छोड़ते हैं ना, किसी एक का होना जरूरी होता है। और जब वहाँ पे किसी को पता हो कि कोई नहीं है तब तो फिर चोर बहुत ही इंतजार करते हैं। हाँ पता तो होता ही है, क्यों नहीं पता होता, घर की लाइट नहीं जल रही, बंद है। या अगर रेंट पे भी कोई होता तो भी सही रहता कि हाँ भाई ऊपर देखने वाला कोई, ऊपर से नीचे तक बंद है, ताला तोड़ने में कितना टाइम लगता है। चलो एक केक बहुत टेस्टी था, इन्हें बड़ा पसंद आया। कह रही कैसे कहाँ से आया, मैंने भाजी नहीं दिया। कह रही सासरी से, मैं नई दिल्ली छे से लेकर आई थी। कह रहे बहुत टेस्टी है, तू जाए ना तो तू भी लेकर आई। ये हर टाइम नहीं मिलता। अच्छा सिर्फ रमजान में मिलता है, तभी तो वो कुकीज़ नहीं दे रहा था। हाँ कुकीज़ नहीं बन रहे थे ना इस टाइम पे, सिर्फ रमजान में मिलता है। कितनी कुकी रमजानों में, ब्रेड बन और वो कौन सी थी पता नहीं, कौन सी मेहरबान रोटी, हाँ ऐसी कुछ खाते ना सेलिब्रेशन में। हाँ और ये केक था। तो अंकल को भी ले आज, वो पापा आ गए ना फिर आपके नीचे, तो वो बात करने लग गए, तो फिर उनको छोड़ के आना अच्छा नहीं लगा, और वो बात करते रहेंगे। जाना हमें वहीं से ही, गाड़ी हमारी वहीं खड़ी है। हाँ वैसे बड़े बड़ों, हाँ बड़ों की कंपनी में इंजॉय करते हैं ना, इंजॉय इसकी बात उसकी बात। ठीक है जी, सही है, चलो अब तक हम पापा जैसे लगते हैं बिल्कुल। वो तो ये कि आपके परवेश भाई तो थोड़ा मेहमानों को वो कर लेते हैं। हाँ कमी कम रखो, अभी भी खाना वाना टिच होकर आए ना हम लोग, आप वो कर देना पीछे, क्या कहते हैं उसे ऐड, हाँ वैसे वो करते ना। आज इतनी समझदार कैसे हो गई, उज़ेर की फेवरेट है। और कौन रह गया, नीबू नहीं रहेगी, नीबू इसकी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो फिर इसमें डाल दो, ऐसे बहुत तो नहीं पी लेगी। और तो कोई बच्चा तो नहीं, नहीं इसा इसा को तो देखो, चोना तो गुच्छे में को देख लियो, चोना चोना इतना गुच्छा क्यों वाला है, शानू इतना गुच्छा क्यों वाला है मेरी बेटी को, स्माइल करता तो रचा, हंस के दिखाओ, हो तो लचा हंस के दिखाओ, स्माइल स्माइल करके, हो हो क्या खाएगा बता, क्या खाएगा। अभी तो थोड़ी सी करी है, इसे बंद कर दो अंकल, जहर बड़ा हो गया। अब वो लोग कहाँ हैं, नानी के हैं, तो वो वहीं रहेंगे अभी ना, अब आप अच्छा देखो पापा लेकर आ रहे थे, देखो अभी एक दो दिन में आएंगे। अच्छा फिर दो महीने की छुट्टियों में फिर आपके साथ जाएंगे, तो पापा लेने आ गए थे ना भाई रमजान में, आके रमजान में। अच्छा 15 दिन हो गए। अच्छा।